तो चलो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो बट बिफोर दैट क्या आपने प्रीवियस तीनों चैप्टर्स के वीडियोस देख लिए यदि नहीं देखे तो जरूर देखना और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों बच्चों यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और यदि आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर डेटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर फोर इंट्रोडक्शन वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ तो चैप्टर का नाम ही है हमारा डेटा हैंडलिंग तो हमें क्या है, समझना है डेटा हैंडलिंग क्या होता है डेटा तो आपको मालूम ही है रॉ इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करके लाते हैं उसे हम कहते हैं डेटा और उन डेटा को बच्चों टेबल के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है डेटा हैंडलिंग होता है देखो यहाँ पे भी हमें वही दिया है डेटा हैंडलिंग इज रिफर टू द प्रोसीजर प्रोसीजर मीन्स प्रोसेस डन टू कलेक्ट द रॉ डेटा पहले रॉ डेटा को कलेक्ट किया

क्या बोल रहा है ठीक तो देखो इसी के के बेस पे हमारे हैं को represent करने लिए हम अलग अलग का का भी किए जैसे कि आपने में में बीच में देखा होगा line graph का use किया जाता है और डबल बार ग्राफ का यूज किया जाता है उसी तरह से हम डेटा को पिक्टोग्राम बार ग्राफ डबल बार ग्राफ और सर्कल ग्राफ के रूप में भी सर्कल ग्राफ को हम ग्राफ पाई पाई चार्ट भी कहते हैं तो इन चारों के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन्हीं चारों को हमें इस साल क्लास एट में पढ़ना है तो चलो वन बाय वन समझेंगे पिक्टोग्राफ बारग्राफ डबल बारग्राफ और पाई चार्ट को चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला है हमारा क्या है पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ में बच्चों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल यहाँ पे हम सिम्बल का यूज करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ये ये पिक्टोग्राफ किसका बना हुआ है नंबर ऑफ सब केक्स सोल्ड तो यहाँ पे मंडे को कितने कप केक्स सेल किए गए ट्यूसडे को कितने किए गए वेडनेसडे को कितने किए गए अब देखो मंडे को एक्चुअल एक्चुअल में थर्टी कप कप केक्स सेल किए गए थे लेकिन देखो थर्टी uh, को रिप्रेजेंट करना बार बार थर्टी कप केक्स बनाना टाइम कंज्यूमिंग है है ना तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं किसी भी एक पिक्चर को हम अज्यूम कर लेते हैं जैसे यहाँ पे एक केक के पिक्चर को हमने अज्यूम कर लिया कि सिक्स केक्स के बराबर है तो यहाँ नंबर ऑफ कितने पिक्चर्स कितने हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव और हर एक हर एक पिक्चर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्स कपकेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है है ना तो फाइव कपकेक्स uh, के जो पिक्चर है वो कितने को रिप्रेजेंट करेंगे फाइव इंटू सिक्स तो थर्टी तो मंडे को कितने कपकेक्स केक्स सेल हुए होंगे थर्टी तो यहाँ हम लिखते चलते हैं फाइव पिक्चर्स हैं और हर एक पिक्चर Six, हर एक पिक्चर का क्स के बराबर है ना तो ये क्या हो जाएगा टोटल आप सिक्स प्लस करो चाहे फाइव इंटू सिक्स दो आपको मिलना तो थर्टी है हाफ पिक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ फुल पिक्चर का मतलब सिक्स कप केक्स है तो हाफ केक uh, के पिक्चर का मतलब होगा थ्री कप केक्स ओके तो यहाँ पे देखो ये सिक्स ये सिक्स सिक्स प्लस सिक्स कितना हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री कितना हो जाएगा हमारा

है ना तो यहां कितने हो 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 जाएंगे जाएंगे यही लिख लेती मैं ये देखो होगा फोर्टी टू फिर नेक्स्ट सैटरडे को देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टोटल आ, हमारा आ, कितना पिक्चर है टेन पिक्चर है और हर एक

तो ये फर्स्ट फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल डेटा हो गया अब चलो फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्या है Next है नेक्स्ट हमारा बार ग्राफ बार ग्राफ भी आपने प्रीवियस ईयर में किया हुआ है ना बार ग्राफ में हम बार से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ देखो इनके विथ मतलब चौड़ाई जो है वो एक जैसी होनी चाहिए है ना जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो बार ग्राफ की चौड़ाई जो है वो सेम होती है बच्चों देर हाइट बींग प्रपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज और हाइट किसकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज के बराबर होती है फॉर इंस्टेंस यदि ये एग्जाम्पल हमने देखा तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी टू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स कितने स्टूडेंट्स को कितने कौन कौन से स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं उसका ये ग्राफ है बच्चों तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा क्रिकेट बच्चों को पसंद है, है ना कितना नाइन है ना यहाँ पे देखो रीड करते चलते हैं यहाँ कितने स्टूडेंट्स है ये एट और टेन के बीच में है ये नम, ये देखो एट और टेन के बीच में आ रहा है है ना ये देखो तो ये कितना होगा नाइन स्टूडेंट है ना नाइन स्टूडेंट्स टू हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी 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 टू को क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है नाइन फिर टेनिस कितने स्टूडेंट्स को पसंद है देखो फोर तक जा रहा है ना फोर के बराबर तो ये फोर को पसंद है यहाँ देन चेस कितने स्टूडेंट्स को पसंद है सिक्स स्टूडेंट्स को तो ये देखो यहाँ से ये सिक्स के बराबर ओके okay? और लास्ट फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है देखो टू और फोर के बीच में क्या होगा ऑब्वियसली थ्री होगा तो थ्री स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है तो ईजिली हमने uh, क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि कितने स्टूडेंट्स को यहाँ तो मैंने छोटे डेटा लिए नाइन स्टूडेंट फोर स्टूडेंट सिक्स स्टूडेंट अदरवाइज जब हम रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े हमारे पास डेटा होते हैं तो ये बार ग्राफ जो रहता है वो हमें इजीली समझने में हेल्प करता है कि कितने लोगों को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है ओके तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा तो तो ये तो हमने देख लिया कि ग्राफ को रीड कैसे करते हैं बच्चों लेकिन हमें बार ग्राफ में ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाने को आता है तो उसे कैसे बनाते हैं देखो फटाफट देख लेते हैं सबसे पहले जो स्पोर्ट्स हैं उन्हें हम लिख देंगे एक कॉलम में स्पोर्ट्स कौन कौन से क्रिकेट टेनिस चेस और फुटबॉल ओके वन कॉलम बीच का कॉलम जो है वो मार्क का होता है बच्चों वो भी हम बनाएंगे कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को Uh, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिकेट है तो क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है नाइन स्टूडेंट को देन फोर स्टूडेंट्स को हमारे टेनिस पसंद है सिक्स स्टूडेंट्स को चेस पसंद है और थ्री स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है अब टेलीमार्क को कैसे बनाएंगे सिंपल है बच्चों वन टू थ्री फोर ये स्ट्रेट लाइन होंगी और फिफ्थ वाली लाइन कट आउट हो जाती कट कर देते हैं उसको ओके okay, तो ये होता है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे देन सिक्स सेवन एट नाइन यदि होता तो अगेन हम इस तरह से कट कर देते लेकिन टेंथ वाला तो लेकिन हम इसे ऐसे कट नहीं करेंगे सेवन, एट, तो कुछ इस तरह से हमें टेली मार्क बनाने रहते हैं फाइव वाला फिफ्थ वाला जो रहता है बच्चा कैंसिल आउट कर देते हैं तो यही हमारे फिफ्थ वाले को डिनोट करता है वाला कैसे बनाएंगे सिंपली वन टू थ्री फोर फिफ्थ तो है ही नहीं कि कैंसिल आउट कर रहे हैं ना तो so, यहाँ पे हम फिफ्थ वाले वा, वाले बार को नहीं बनाएंगे नेक्स्ट हमारा क्या है सिक्स तो और 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 ये five, और ये हो गया गया एक आ ओके इजी है ना फिफ्थ वाले को बस हम या कट करेंगे यहाँ पे वन टू थ्री तो कुछ इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है अब जो कभी कभी हमें टेबल दे दिया जाता है और हमें बारग्राफ बनाना रह रहता है तो वो भी इजी जो आपके फर्स्ट uh, कॉलम में दिया है उसे हम ले लेंगे एक्स एक्सिस में ओके okay? और जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं उन्हें उसे हम लेते हैं वाई एक्सिस में और जिस हिसाब से हमें डेटा दिया रहता है उतने ही हिसाब से हम नंबर uh, लेते हैं वाई एक्सिस में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें डेटा तो टेन टेन तक का दिया देखो मैक्सिमम कितना है नाइन है तो यहाँ पे हम फिफ्टी तक तो लेके नहीं जाएंगे तो देखो देखो यहाँ जीरो से स्टार्ट करके टेन तक ही लेके गए है ना तो अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन हमें y एक्सिस लेना पड़ता है ओके तो यहाँ पे हमने y एक्सिस में लेना है उसके बाद बार्स बना देने हैं यहाँ से मेजर करके क्रिकेट में कितने ऊंचा फिर टेनिस में कितने स्टूडेंट्स फिर चेस में कितने स्टूडेंट्स एंड फिर फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स तो इस तरह से आपको दोनों चीज आ सकती है टेबल दे देंगे बारग्राफ बनाओ बोल सकते हैं या बारग्राफ दे देंगे रीड करके आप तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ ओके तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं अच्छा इसी तरह से बच्चों यदि हमको बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये तो हमें टू थाउजेंड के स्टूडेंट्स दिए हैं कि कितने को क्रिकेट टेनिस चेस और फुटबॉल पसंद है अब यदि हमें कंपेयर करने को दे देते डेटा कि ठीक है 2022 में तो इतने स्टूडेंट्स को पसंद था ये सारा स्पोर्ट्स uh, दोनों अब बताओ 2022 uh, 20 ट्वेंटी 2023 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्रिकेट जो है वो फेवरेट था कि उससे कम हुआ कि उससे ज्यादा हुआ तो जब कंपैरिजन ऑफ डेटा आ जाता है बच्चों तो वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ जाता है डबल बार ग्रा. जब हम कंपेयर करते हैं डेटा को देखो कुछ इस तरह से कि 2022 में देखो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि कम लोगों को क्रिकेट पसंद था फाइव स्टू फाइव लोगों को बस क्रिकेट पसंद था लेकिन नेक्स्ट ईयर 2023 थ्री तक टेन स्टूडेंट्स को पसंद आ गया ओके ये तो मैंने छोटे छोटे डेटा दिए हैं बच्चों अदरवाइज डेटा तो बहुत बड़े बड़े होते हैं वास्ट डेटाज भी रहते हैं ना लेक्स में फ्रोर्स में भी रहते हैं तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने छोटे छोटे डेटा लिए है देखो नेक्स्ट में टेनिस uh, पहले 15 लोगों को पसंद थे लेकिन अब कितने कम हो गए को ही पसंद हो गए ठीक नेक्स्ट ईयर का तो जब इस तरह से ऑफ डेटा हमें करना रहता है तो हम किसका यूज करते हैं डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे वही दिया है अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट ऑफ डेटा साइमिलटेनियसली इट इज यूजफुल फॉर कंपेरिजन ऑफ डेटा तो डबल बार ग्राफ हम कब यूज करते हैं जब हमें दो डेटा को कंपेयर करना रहता है जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं दो अलग अलग साल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं जिन्हें क्रिकेट टेनिस चेस और फुटबॉल पसंद है तो दो अलग अलग साल के लिए अलग अलग चॉइसेस होंगे हो सकता है एक साल में कम स्टूडेंट्स को पसंद है तो दूसरी ईयर में क्रिकेट ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है कंपेरिजन तो इसी कंपेरिजन को शो करने के लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं ओके अंडरस्टूड चलो फटाफट से नेक्स्ट नेक्स्ट वाला हमारा है पाई चार्ट तो से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज से आपको पाई चार्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखते हैं क्या है अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है ये एक सर्कुलर है, है ना? सर्कल में हमें शो करना है ओके? चार्ट, देखो एक एक देख यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि चॉकलेट्स जो है वो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम फिर सेकेंड में वनीला है और थर्ड में स्ट्रॉबेरी है आइसक्रीम का तो नाम सुनते ही मुंह में आ जा रहा है <laughs> तो यहाँ पे चॉकलेट सबसे ज्यादा लोगों को देखो पाई ग्राफ भी हमें समझ में इजी टू अंडरस्टैंड है बट uh, हम देखते साथ ही समझ सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों को ये हो गया हमारा होल पूरा सर्कल हो गया हमारा होल उसमें से एक पार्ट एक पार्ट कौन सा पार्ट हो गया ये वाला पार्ट कितने किस कि, किन किन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद करते हैं तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है बच्चों रिलेशन बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट पूरे में से मतलब सौ लोगों में से सौ हो गया हमारा होल और उसमें से यदि सेवेंटी लोगों को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो सेवेंटी क्या हो गया सौ का एक पार्ट हो गया फिर ट्वेंटी लोगों को पसंद होगी क्योंकि उसके पसंद ज्यादा है तो बचे हुए टेन लोगों को हमारी, हमारी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है तो इस तरह से हमें चा, पाई चार्ट बनाना है और देखो इजी हुआ कि नहीं देख के ही हम डेटा समझ सकते हैं कि कितने लोगों किस किनको ज्यादा कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है है ना तो इस तरह से हमें पाई चार्ट बनाना है बच्चों लेकिन पाई चार्ट बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है एक आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये हमें ये ग्राफ बनाने के लिए हमें ये इन एंगल्स की जरूरत होती है लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं इन एंगल्स की जरूरत होती है अब इन एंगल्स को बच्चों हम कहते हैं सेंट्रल एंगल इनको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल ठीक तो जब भी हमें डेटा दिया रहता है पाई चार्ट यदि बनाने को बोला होता है तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल बनाना रहता है सेंट्रल है, एंगल हम कैसे बना सकते हैं सेंट्रल एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों फ्रैक्शन के फॉर्म में डेटा को लाना पड़ता है फ्रैक्शन के फॉर्म में डेटा को लाएंगे फिर फ्रैक्शन के फॉर्म के का यूज करके हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे और देन वी विल मेक वट पाई चार्ट देखो फटाफट देखते हैं कैसे बनाते हैं फटाक से इन सबको हम कर देते हैं इरेज चलो अब इसी चीज को हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल आपकी एन में दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आपको परसेंट में दिया होगा या आपको फ्रैक्शन में भी दिया हो सकता है बच्चों डेटा तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल लिया है दो तरह के एग्जाम्पल है हम दोनों देखेंगे जब आपको डेटा परसेंट में दिया होता है तो सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है देखो फिफ्टी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे फिफ्टी का मतलब हो जाएगा अच्छा लेट्स रिमूव दिस एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं एक टेबल ठीक अब यहाँ पे फ्लेवर कौन कौन से फ्लेवर है चॉकलेट फ्लेवर है ये मैंने लिख दिया लेट्स टेक अनदर कलर थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं ये तीन फ्लेवर है एक है हमारा चॉकलेट नेक्स्ट फ्लेवर है हमारा वनीला और अदर फ्लेवर अदर फ्लेवर का एफ लिख अधिक अब यहाँ पे देखो परसेंट में कितना दिया है फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट प्रेफर करते हैं क्या चॉकलेट फ्लेवर को ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रेफर करते हैं वनीला को और अदर प्रेफर करते हैं दूसरा जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था ना यहाँ पे अदर फ्लेवर लिख दिया है तो यहाँ पे ले लिया हमने अब इसको क्या फिफ्टी परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों फिफ्टी पर सेंट सेंट का मतलब हमारा क्या होता है सीई एन टी सेंट ट का मतलब होता है हमारा हंड्रेड तो फिफ्टी परसेंट का मतलब होता है फिफ्टी अपॉन हंड्रेड है ना तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करो तो ये देखो ये कैंसिल होकर हमें क्या मिल जाएगा वन अपॉन टू मिल जाएगा ओके okay, नेक्स्ट आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ट्वेंटी फाइव पर सेंट मतलब अपॉन हंड्रेड तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ट्वेंटी फाइव फोर जन्ड्रेड होता है है ना तो यहाँ हमें मिल जाएगा वन अपॉन फोर सिमिलरली लास्ट वाला भी ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा वन अपॉन फोर्थ अब हमें क्या निकालना है सेंट्रल एंगल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि पहले हमें निकालना रहता है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की हेल्प से हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल क्यों निकालना है बच्चों सेंट्रल एंगल हमें निकालना है क्यों क्योंकि हमें बीच में जब ग्राफ प्लॉट करना रहता है ना लेट्स रिमूव दिस है ना ये देखो ये एक सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पे जब हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तो यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन तो ले लेंगे लेकिन यहां पे कितने डिग्री का एंगल लेंगे कि हमारा चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम शो हो जाए उसका पार्ट शो हो जाए तो उसके लिए हम पहले फ्रैक्शन निकालेंगे अब ये पूरा जो कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री का इसको याद रखना है ना एंगल अराउंड पॉइंट इज थ्री सिक्सटी डिग्री यहां पे मैं लिख देती हूँ एंगल एंगल अराउंड अ uh, पॉइंट ये आपको याद रखना है इज इक्वल डिग्री का ही हमें क्या करना है फ्रैक्शन uh, uh, में है इसी को हम थ्री सिक्सटी डिग्री को ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है बच्चों यहाँ पे हमें सिंपली वन हाफ ऑफ थ्री सिक्सटी निकाल लेना है 360 का आधा ये कितना होता है आप कैंसिल करोगे तो देखो 180 आएगा यहाँ हमें मिल गया वन एट्टी डिग्री का एंगल तो क्या करेंगे यहाँ पे say, यहां से लेट्स रिमूव दिस हम प्रोटेक्टर रखेंगे प्रोटेक्टर रख के यहां से यहां तक कितना मेजर कर लेंगे वन एट्टी डिग्री तो कुछ इस तरह से आपको यहां से कुछ इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको डायामीटर मिल जाएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्यों क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हमारा वन एट्टी डिग्री का एंगल बनता है तो ये सपोज ये हमारा सेंटर है यहाँ से प्रोटेक्टर रख के हमने लाइन खींचा तो वन एट्टी डिग्री का एंगल मिल जाएगा ये हमारा मिल गया कौन सा चॉकलेट फ्लेवर फ्लेवर के आइसक्रीम वाला पार्ट चॉकलेट वाले का पार्ट ठीक नेक्स्ट हमारा देखो वन फोर्थ है तो हम निकाल लेते हैं वन फोर्थ ऑफ थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी डिग्री टोटल एंगल उसका वन फोर्थ कितना हो जाएगा देखते हैं ये हो जाएगा हमारा देखो फोर नाइन सा थर्टी सिक्स जीरो हो जाएगा हमारा नाइनटी डिग्री ठीक तो यहाँ 90 डिग्री ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ मैं आप तो प्रोटेक्टर रख के खींचोगे यहाँ पे आप नीचे की तरफ प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ से 90 डिग्री मेजर करोगे तो यहाँ से 90 डिग्री ऐसे मिलेगा है ना फिर बाकी जो बचा पार्ट है वो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री क्योंकि देखो लास्ट वाला पार्ट भी हमारा वन फोर्थ है इसको भी आप 360 से डिवाइड फोर्थ को आप 360 से डिवाइड करोगे तो आपको 90 अगेन मिल जाएगा है ना तो ये जो स्ट्रेट एंगल आ रहा है ये हमारा 90 डिग्री का होगा तो कुछ इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है बच्चों जो डेटा दिया रहता है उसकी हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना रहता है इजी है सिर्फ याद रखना हमें इधर परसेंट में दिया रह सकता है जो भी हमें डेटा है या हमें फ्रैक्शन में दिया रहता है अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुंचना है सेंट्रल एंगल में पहुंचना है सेंट्रल एंगल मिलने के बाद ही हम फाइचैट बना सकते हैं ठीक चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें ना ही परसेंट में दिया होगा डेटा और ना ही फ्रैक्शन में दिया होगा देखो ये एग्जाम्पल भी आपका एनसीआर बुक का ही एग्जाम्पल है यहाँ पे हमें देखो जो डेटा दिया है वो रुपीज के टर्म्स में दिया है ऑर्डिनरी ब्रेड का कितना रुपीज का सेल हुआ थ्री ट्वेंटी फ्रूट ब्रेड का एट्टी केक्स एंड पेस्ट्रीज का वन सिक्सटी बिस्किट्स का वन ट्वेंटी रुपीज में सेल हुआ और अदर्स के लिए फोर्टी रुपीज मिले टोटल मिला के सेवन ट्वेंटी रुपीज मिले अब यदि इस तरह का डेटा दिया होगा और, और हमें बोलेगा पाई चार्ट बनाना तो कैसे हम बनाएंगे वो हम देखेंगे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो ले लेते हैं हमारा एक टेबल है ना ऑर्डिनरी ब्रेड के कितने रूपीज का सेल हुआ थ्री ट्वेंटी का सेल हुआ देन फ्रूट ब्रेड का एट्टी रुपीज का सेल हुआ नेक्स्ट वाले का केक एंड पेस्ट्री वन सिक्सटी रुपीज का सेल हुआ देन 120 रुपीस का सेल हुआ और लास्ट वाला हमारा फोर्टी रुपीज का सेल हुआ थ्री ट्वेंटी ऊपर जब भी हमें फ्रैक्शन में निकालना रहता है बच्चों तो जो भी कॉस्ट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारा टोटल कॉस्ट है देखो टोटल कॉस्ट कितना है सेवन ट्वेंटी है तो कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट देखो पार्ट डिवाइडेड बाय होल है ना यही तो हमने डेफिनेशन में भी देखी थी पाई चार्ट की तो पार्ट डिवाइडेड बाय होल करेंगे सिंपली आपको याद रखना है जितना रुपीज का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल हुआ है उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल तो अमाउंट को ओके हर पार्ट में आपको यही करना है तो यहाँ से देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है ना यहाँ से हमारा कितने से फोर से कैंसिल करके देखे फोर एट थर्टी टू फिर फोर वन ज फोर हो जाएगा थर्टी टू हुआ तो फिर फोर एट जटी टू हो गया फिर कैंसिल होगा देखो एट और एटीन है तो यहाँ से फोर फोर जो टू uh, से कैंसिल कर रहे हैं ना हाँ टू फोर झा एट और टू नाइन एटीन तो देखो मिल गया हमें फोर अपॉन नाइन फ्रैक्शन फ्रैक्शन मिल जाने की बात तो थिंग्स आर वेरी इजी हमें सिंपली क्या करना है फोर अपॉन नाइन को थ्री सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना क्यों क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड अभी हमने देखा एंगल कितने डिग्री का होता है 360. अब ये कैंसिल आउट कर देते तो यहां आ जाएगा हमारा 9, 4, 36, तो 4, 4, जा हो गया, 16, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला एंगल एंगलटी डिग्री का नेक्स्ट हम देखो क्या करेंगे अपॉन नेक्स्ट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना तो ये नेक्स्ट वे हमें एट्टी पार्ट है और टोटल हमारा कितना है सेवन ट्वेंटी रुपीज यहाँ से कैंसिल आउट करो एट नाइन सावेंटी टू तो ये नाइन और ये वन टाइम गया तो फ्रैक्शन हमें क्या मिल गया वन अपॉइंट नाइन मिल गया ओके तो यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे डिग्री से अगेन देखो जो थर्टी से, अभी हमने ऊपर काटा था 40 degree. तो फोर्टी डिग्री तो ये हमें हमें कितने डिग्री का बनाना है फोर्टी डिग्री का केक्स एंड पेस्ट्री के लिए देख लेते हैं एक्सचेंज द कलर अगेन केक्स एंड पेस्ट्री के लिए वन सिक्सटी है उसका अमाउंट कितना सेल हुआ और टोटल है सेवन ट्वेंटी तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा है ना फोर से तो कैंसिल किया ही था हमने, फोर, फोर, फोर हमने कैंसिल किया था अगेन देखो टू टू जो और टू नाइन जीन तो ये टू बाय नाइन आ गया हमें ठीक तो टू बाय नाइन कर देते टू बाय नाइन ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्री तो यहाँ पे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा फोर्टी डिग्री तो यहाँ फोर टू जट और जीरो तो ये वाला एंगल केक और पेस्ट्री के लिए कितने डिग्री का बनाएंगे 80 डिग्री का नेक्स्ट हमारा देखो 120 डिग्री है नेक्स्ट हमारा चेंज द कलर 120 ट्वेंटी अपॉन सेवन करेंगे यहाँ से 720 को अच्छे से लिख लेते हैं ना 720 करेंगे यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल अब यहाँ पे अगेन फोर थ्री झा ट्वेल्व फोर वन ज फोर और यहाँ थर्टी टू फोर एट थर्टी टू थ्री और एटीन अगेन कैंसिल हो रहा है तो देखो थ्री वन जा और थ्री थ्रिका एटीन तो यहाँ क्या आ जाएगा वन अपॉन आ आ गया, ओके, रहा है, तो वन सिक्स निकाल लेते हैं डिग्री कितना होता है देखे हो गया हमारा थर्टी सिक्स तो ये हो गया हमारा सिंपली सिक्सटी डिग्री है ना सिक्सटी इंटू वन सिक्सटी तो यहाँ लास्ट हमारा क्या बचा फोर्टी फोर्टी के लिए भी निकाल लेते हैं फटाख से यहाँ हम क्या करेंगे सिम्पली फोर्टी बहुत लाइट कलर हो गया यहाँ सिंपली हम ले ले लेते हैं फोर्टी अपॉन सेवन ट्वेंटी है ना जीरो से जीरो कैंसिल फोर वन और फोर एटीन अभी हमने बहुत बार कर लिया ऊपर है ना अपॉन एटीन हो गया तो तो से देखो 18 36 होता है डिग्री सिंपली ट्वेंटी डिग्री अदर्स के लिए ट्वेंटी डिग्री का एंगल बनाना है ओके okay? तो फटाफट से एक सर्कल ले, ले लेते हैं और यहाँ से क्या करोगे आप यहाँ से एक सेंटर ले लोगे सेंटर लेने के बाद आपको क्या करना है एक लाइन ले लेना है कहीं से भी बाईस हाँ ठीक तो यहाँ एक लाइन लेने के बाद अब क्या करना है प्रोटेक्टर रख रखे एंगल मेजर करना है और एंगल मेजर करके हमें क्या बना लेना है पाई चार्ट बना लेना है फर्स्ट वाला हमारे को 160 डिग्री का है तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा क्यों तो 180 से थोड़ा सा छोटा होगा है ना तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा वन डिग्री का एंगल आ जाएगा फर्स्ट वाला हमारे किसके लिए है यहाँ पे हम शो कर देंगे कि ये है हमारा ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए नेक्स्ट फ्रूट ब्रेड सिर्फ फोर्टी डिग्री का है ना तो 40 डिग्री हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा 40 डिग्री तो बहुत छोटा आएगा बच्चों यहां कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका 40 डिग्री इसको थोड़ा अच्छे से बना देते ये हमारा कुछ इस तरह से 40 डिग्री आ जाएगा ये हो गया हमारा 40 डिग्री किसके लिए यहाँ शो कर देंगे हमें फ्रूट ब्रेड के लिए ये हमारा फोर्टी डिग्री है ठीक नेक्स्ट हमारा केक एंड पेस्ट्री का कितना एंगल बनाना है एट्टी डिग्री का एंगल बनाना थोड़ा थोड़ा सा फोर्टी डिग्री का डबल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है और नीचे की तरफ से 80 डिग्री मेजर करके एंगल बना लेना है तो ये हो गया हमारा क्या 80 डिग्री का एंगल देन हमें 60 डिग्री और 20 डिग्री का एंगल बना लेना है तो 20 डिग्री का तो बच्चों बहुत छोटा बनेगा तो इस तरह से आपको 20 डिग्री वाला एंगल आप प्रोटेक्टर से बनाओगे ऑब्वियसली तो आपका बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा मैंने ऐसे ही अः विदाउट मेजरमेंट ले लिया है ना तो इस तरह से आपको क्या बनाना है पाई चार्ट बनाना है ओके समझ में आए अच्छे से क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना ओके नेक्स्ट टॉपिक देखे नेक्स्ट क्या है इसमें हमें पाई चार्ट इतना ही बनाना है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी बच्चों प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपके पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज है और प्रोबेबिलिटी में हमें पूरी एक्सरसाइज में बच, बस एक ही फॉर्मुला यूज करना है अब उसके पहले समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या बच्चो प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट मतलब किसी चीज के होने की कितनी संभावना है उसी को हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी कहते हैं है ना प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ अक्रिंग एन इवेंट मतलब कोई भी जो इवेंट है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता फॉर इंस्टेंस क्या आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं हो सकती यदि दो टीम के बीच में मैच चल रहा है तो किसी टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है ज्यादा हो किसी के चांसेस कम हो तो ये जो होता है यही हम किस में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में बच्चों प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मुला हमको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम उटकम्पल के समझ लेते हैं। और इंस्टेंस यदि आपने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने से या फिर उसमें एक टेल आएगा या उसमें एक हेड आएगा तो कॉइन में हेड और टेल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ए, या फिर एक तेल आ जाए या फिर एक हेड आ जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई टू हो गई अब यदि बोले पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल ओनली टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो देखो टेल तो एक बार में आपने यदि कॉइन को टॉस किया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक ही हो सकती है एक ही बार टेल एक बार कॉइन को टॉस करोगे तो एक ही बार टेल आएगा है ना तो यहाँ पे आ, फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम को मैं एफ ओ से डिनोट कर देती हूँ कितनी है हमारा वन और टोटल आउटकम हमें क्या मिला टू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इज वन अपॉइंट टू इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी कितना हो जाएगा वन अपॉइंट टू लेकिन उसी जगह यदि हमारा ये केस है हमारे वन कॉइन का केस एक कॉइन है तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा है ना एक कॉइन में यही रहती है तो ये तो हो गई कंडीशन जब हमारे पास एक कॉइन दिया है कई बार बच्चों हमें बोला जाता है कि दो क्वेंस है दो क्वाइंस है और उनमें हमें निकालना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है या टेल क्या है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मालूम मालू होनी चाहिए तो जब हम दो क्वेंट को टॉस करते हैं बच्चों तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं

पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई यार टोटल आउटकम कितने हो गए फोर यहाँ पे हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा टोटल आउटकम हो जाएगा क्या फोर अब यदि हमें सेम क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल क्या है तो आप ध्यान से देखो कितनी जगह आपको टेल दिखाई दे रहा है एक दो और तीन यहाँ पे हमें टेल दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम फॉर टेल क्या हो जाएगा ये हो गया हमारा थ्री क्योंकि तीन जगह पे बस हमें दिख रहा है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा सेम वही outcome upon total outcome, आप पूरा पूरा लिखना outcome हमारा कितना मिला तीन बार आ सकता है भाई टेल और कितने में से फोर में से तो थ्री फोर्थ हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है ना इसी तरह से डाइस का क्वेश्चन भी आता है बच्चों डाइस में कितने नंबर होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव नहीं लिखा मैंने फाइव और सिक्स इस तरह से आपको dice की की कितनी हो जाएगी? Dice की total probability हमारी सिक्स होती है अब पूछा गया कि आपको आपने डाइस को थ्रो किया और आपको टू चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टू कितना है एक ही बार टू है है ना तो फेवरेबल आउटकम उसका क्या हो जाएगा वन और टोटल आउटकम क्या है छह बार में छह में से एक है हमारा है ना तो one upon six हो जाएगी है? तो टोटल आउटकम आउटकम तो 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 हमारे कितने हैं हैं नीचे है ठीक इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन जो की अब आपको बहुत ही इजी लगने वाला है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय